हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी सही चल रहा होगा आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्सिट्यूशन को करेंगे जो एस एस सी एम में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आज का कोटेशन है खुद की सेल्फी लेते रहने से कुछ नहीं होगा पहले अपनी सेल्फ को उस मुकाम पर ले जाओ जहाँ सभी लोग तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहें नंबर फर्स्ट ए प्लेस वेयर नंस लिव एंड वर्क कहने का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ सन्यासीन रहती है और काम करती है उस जगह को क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कॉन्वेंट सेकंड डॉर्मेट्री थर्ड हॉस्टल फोर्थ एवेटर सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेंट कॉन्वेंट मतलब होता है साध्वियों का आश्रम यानी मठ है. ठीक है यानी ए प्लेस वेयर नंस लिव एंड वर्क दैट इज कॉल्ड कॉन्वेंट ऑप्शन नंबर बी है डॉर्मेट्री डॉर्मेट्री मतलब होता है शयन कच्छ कहने का मतलब ए लार्ज बेडरूम विथ ए नंबर ऑफ बेड्स इन इट डेट इज कॉल्ड डॉर्मेट्री ऑप्शन नंबर थर्ड है हॉस्टल हॉस्टल मतलब होता है छात्रावास इंस्टीट्यूशनल रेसिडेंस डैट इज कॉल्ड हॉस्टल ऑप्शन नंबर फोर्थ है एवेटर एवेटर मतलब होता है कसाई खाना है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड डेट इज कॉल्ड एवेटर यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कॉन्वेंट कॉन्वेंट मतलब ए प्लेस वेयर नंस लिव एंड वर्क डैट इज कॉल्ड कॉन्वेंट क्वेश्चन नंबर टू है समथिंग विच लीड्स टू डेथ कहने का मतलब कुछ ऐसा जो मौत का कारण बन जाता है उसे क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फैटल सेकेंड ट्रायल थर्ड पिनल फोर्थ वाइटल इसका सही आंसर हो जाएगा फैटल फैटल मतलब होता है घातक जानलेवा रिजल्टिंग इन डेथ डेट इज कॉल्ड फैटल यानी समथिंग विच लीड्स टू डेथ डैट इज कॉल्ड फैटल ऑप्शन बी है ट्रायल ट्रायल मतलब होता है मुकदमा यानी द प्रोसेस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ वेयर ए जज लिसेंस टू एविडेंस एंड डिसाइडेड इफ समी इज गिल्टी ऑफ ए क्राइम और नॉट डेट इज कॉल्ड ट्रायल ऑप्शन थर्ड है पैनल पैनल मतलब होता है कानूनी दंड से संबंधित को बोलते हैं पैनल यानी कनेक्टेड विथ पनिशमेंट बाय लॉ दैट इज कॉल पैनल ऑप्शन डी है वाइटल वाइटल मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण यानी आवश्यक वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी दैट इज कॉल वाइटल सही आंसर क्या हो जाएगा फैटल फैटल मतलब घातक यानी जानलेवा समथिंग विच लीड्स टू डेथ दैट इज कॉल्ड फैटल ऑप्शन नंबर थर्ड एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कहने का मतलब हड्डियों का आंतरिक और बाहरी ढांचा को क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्पाइन सेकेंड स्कल थर्ड स्केलेटन फोर्थ स्किन इसका सही आंसर हो जाएगा स्केलेटन स्केलेटन मतलब होता है कंकाल स्केलेटन मतलब कंकाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्पाइन स्पाइन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी यानी द बोन्स ऑफ द बैक ऑफ ए पर्सन और एनिमल्स डेट इज कॉल्ड स्पाइन ऑप्शन बी है स्कल स्कल मतलब होता है कपाल या खोपड़ी यानी द बोन स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन और एनिमल हेड डैट इज कॉल्ड स्कल ऑप्शन नंबर डी है स्किन स्किन मतलब होता है त्वचा यानी द नेचुरल आउटर कवरिंग ऑफ ए बॉडी डेट इज कॉल्ड स्किन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्केलेटन स्केलेटन मतलब कंकाल एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन क्वेश्चन नंबर फोर एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड एनिमल्स ग्रेज कहने का मतलब घास के मैदान का वह क्षेत्र जहाँ जानवर चरते हैं उस जगह को क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फॉरेस्ट सेकेंड है पार्क थर्ड मीडो फोर्थ गार्डन इसका सही आंसर हो जाएगा मीडो मीडो मतलब होता है घास का मैदान एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज डेट इज कॉल मीडो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फॉरेस्ट फॉरेस्ट मतलब, मतलब होता है जंगल या वन ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज डैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट ऑप्शन बी है पार्क पार्क मतलब होता है पार्किंग होता है या उद्यान होता है एन ओपन एरिया इन टाउन ग्रास और ट्रीज वेयर कैन गो टू प्ले इट इज डेट इज कॉल पार्क ऑप्शन नंबर डी है गार्डन मीन्स बगीचा ए प्लॉट ऑफ ग्राउंड वेयर हर्ब्स फ्रूट्स फ्लावर्स और वेजिटेबल्स आर कल्टिवेटेड दैट इज कॉल गार्डन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मीडो मीडो मतलब घास का मैदान यानी या फील्ड ऑफ ग्रास डेट इज कॉल्ड मीडो एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड एनिमल्स ग्रेज डैट इज कॉल्ड मीडो क्वेश्चन नंबर फाइव किलिंग ऑफ पेस्ट कहने का मतलब कीटों की हत्या को क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हबिसाइड सेकेंड सुसाइड थर्ड पेस्टिसाइड फोर्थ पैट्रिसाइड इसका सही आंसर हो जाएगा पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड मतलब होता कीटनाशक पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक कहने का मतलब किलिंग ऑफ पेस्ट डेट इज कॉल पेस्टिसाइड ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हबी साथ। हबी साथ मतलब पौधनाशक पदार्थ यानी वनस्पति नाशक यानी एक केमिकल सब्सटेंसेस डेट फार्मर्स यूज टू किल प्लांट्स डेट आर ग्रोइंग वेयर दे आर नॉट वांटेड डेट इज कॉल्ड हर्बिसाइड ऑप्शन नंबर बी है सुसाइड सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या यानी किलिंग ऑफ हिम सेल्फ डेट इज कॉल्ड सुसाइड डी क्या है पैट्रीसाइड पैट्रीसाइड मतलब होता है पिता की हत्या यानी द क्राइम ऑफ किलिंग हिज फादर डेट इज कॉल्ड पैट्री साइड क्वेश्चन नंबर सिक्स है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट कहने का मतलब किसी डेट या इवेंट इवेंट मतलब घटना का वार्षिक उत्सव को क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गला सेकेंड एनिवर्सरी थर्ड कार्निवल फोर्थ वेस, इसका सही आंसर हो जाएगा एनिवर्सरी एनिवर्सरी मतलब क्या होता है साल गिरह एनिवर्सरी मतलब साल गिरह कहने का मतलब ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट डेट इज कॉल्ड एनिवर्सरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है गला गला मतलब कोई विशेष सामाजिक कार्यक्रम को बोलते हैं गला ए स्पेशल सोशल और स्पोर्टिंग ओकेजन डेट इज कॉल्ड गला ऑप्शन नंबर सी क्या है कार्निवल कार्निवल मतलब होता है मनोरंजन मेला ए पब्लिक फेस्टिवल डेट टेक प्लेस इन द स्ट्रीट विथ म्यूजिक एंड डांसिंग दैट इज कॉल कार्निवल ऑप्शन नंबर डी है बैस बैस मतलब होता है जोर से टकरा जाना या किसी की तीखी आलोचना करना भी होता है बैस मतलब टू हिट समबडी या समथिंग वेरी हार्ड डैट इज कॉल्ड बैस या टू क्रिटिसाइज समबडी या समथिंग स्ट्रांगली डेट इज कॉल्ड बैस यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एनिवर्सरी एनिवर्सरी मतलब क्या होता है यरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट डेट इज कॉल्ड एनिवर्सरी यानी सालगिरह क्वेश्चन नंबर सेवन ए पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट कहने का मतलब एक वैसे व्यक्ति जो किसी बीमारी या चिकित्सा उपचार के बाद ठीक हो रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एथलीट सेकेंड कन्वलसेंट थर्ड सीनाइल फोर्थ अल्टोरिस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा कन्वेल्सेंट कन्वेल्सेंट मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ संबंधित कहने का मतलब ए पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट डेट इज कॉल्ड कन्वेल्सेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एथलीट एथलीट मतलब होता है खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला व्यक्ति को बोलते हैं एथलीट कहने का मतलब ए पर्सन कैन रन जंप इट वेरी वेल स्पेशली वन हु टेक्स पार्ट इन ए स्पोर्ट कंपटीशन डेट इज कॉल्ड एथलीट ऑप्शन नंबर सी है सीनाइल सीनाइल कहने का मतलब सन की और भुलक्कड़ किसके कारण बुढ़ापे के कारण कहने का मतलब बिहेविंग इन ए कंफ्यूज एंड एस्ट्रेंज वे एंड एंडल टू रिमेंबर थिंग्स बिकॉज ऑफ ऑल्ड एज डैट इज कॉल्ड सीनाइल ऑप्शन नंबर डी है अल्टूरिस्ट अल्टूरिस्ट मतलब होता है परोपकारी वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स डैट इज कॉल्ड अल्टूरिस्ट क्या वन लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स डैट इज कॉल्ड अल्टुरिस्ट अल्टुरिस्ट मतलब परोपकारी यानी इसका सही आंसर क्या हो जाए कन्वेलसेंट कन्वेलसेंट मतलब ए पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट डैट इज कॉल्ड कन्वेलसेंट देखिए ये सब ऐसे क्वेस्न है ना जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं ध्यान रखिएगा ओके यही क्वेश्चन 2019 में ही दो बार एम में पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर एट है द फ़ियर ऑफ बींग इनक्लोज इन ए स्मॉल स्पेस और रूम कहने का मतलब एक छोटी सी जगह या कमरे में बंद होने का डर को क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हाइड्रोफोबिया सेकंड है एक्रोफोबिया थर्ड है क्लेस्ट्रोफोबिया फोर्थ है एरोफोबिया इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेस्ट्रोफोविया क्लेस्ट्रोफोविया मतलब होता है संकीर्ण या बंद स्थान में सीमित होने का भय को बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोविया कहने का मतलब द फियर ऑफ बींग इनक्लोज इन ए स्मॉल स्पेस और ए रूम डैट इज कॉल्ड क्लेस्ट्रोफोविया डेट इज कॉल्ड क्लेस्ट्रोफोविया ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हाइड्रोफोबिया है हाइड्रोफोबिया है मतलब होता है फियर ऑफ वाटर स्पेशली एज ए सिम्टम ऑफ रेविज इन ह्यूमन डैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया ऑप्शन नंबर बी है एक्रोफोबिया एक्रोफोबिया मतलब होता है फ़ियर ऑफ हाइट डेट इज़ कॉल एक्रोफोबिया ऑप्शन नंबर डी है एरोफोबिया एरोफोबिया मतलब होता है फ़ियर और डिसलाइक ऑफ फ्लाइंग डेट इज कॉल एरोफोबिया यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब संकीर्ण या बंद स्थान में सीमित होने का भय को बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया यानी द फ़ियर ऑफ बींग इनक्लोज इन ए स्मॉल स्पेस और रूम डैट इज कॉल्ड क्लेस्ट्रोफोविया क्वेश्चन नंबर नाइन एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क कहने का मतलब एक साहित्य कृति का परिचय को क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रोलॉग सेकंड है ब्लर्ब थर्ड है एपिलॉग फोर्थ है सिक्वल इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोलॉग प्रोलॉग मतलब होता है नाटक कविता आदि को प्रस्तुत करने वाला लेख या भाषण को बोलते हैं प्रोलॉग जिसको हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं यानी ए पीस ऑफ राइटिंग और ए स्पीच डैट इंट्रोड्यूजेज ए प्ले या पोएम ई टी डैट इज कॉल्ड प्रोलॉग यानी कि एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क डैट इज कॉल्ड प्रोलॉग नंबर बी है ब्लर्ब ब्लर्ब Blur मतलब होता है पुस्तक का परिचय यानी ए शॉर्ट पब्लिसिटी नोटिस डेट इज कॉल्ड ब्लर्ब सर नंबर सी है एपिलॉग एपिलॉग मतलब होता है किसी पुस्तक नाटक आदि का अंत वचन को बोलते हैं एपिलॉग जिसको हम लोग परिशिष्ट भाग भी बोलते हैं ए शॉर्ट पीस डेट इज एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक या प्ले इट इज इज कॉल्ड एपीलॉग ऑप्शन नंबर डी है sequel. Sequel मतलब या फिल्म लिटरेरी वर्क डेट इज कॉल्ड प्रोलॉग यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रस्तावना क्वेश्चन नंबर टेन है ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथोसिज्म कहने का मतलब तर्कहीन उत्साह से प्रेरित व्यक्ति को क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इनफ्रीडल सेकंड है फैनेटिक थर्ड है एथिस्ट फोर्थ है पॉलिथिस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा फैनेटिक फेनेटिक मतलब होता है कट्टर व्यक्ति यानी पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथोसिज्म डेट इज कॉल्ड फेनेटिक ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इनफ्रीडल इनफ्रीडल मतलब होता है अविश्वासी यानी मत या सिद्धांत को नकारने वाला व्यक्ति को बोलते हैं इनफ्रीडल ऑप्शन नंबर थर्ड है एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक जो ईश्वर की अस्तित्व पर शंका करता है उसे बोलते हैं एथिस्ट ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दैट इज कॉल्ड एथिस्ट ऑप्शन नंबर डी है पॉलिथिस्ट पॉलिथिस्ट मतलब होता है बहुदेव द बिलीफ इन मेनी गॉड्स दैट इज कॉल्ड पॉलिथिस्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन ए जेंटल सॉन्ग संग टू पुट ए चाइल्ड टू स्लीप कहने का मतलब बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ललबाई सेकेंड लैरी थर्ड लिरिक फोर्थ लॉरल इसका सही आंसर हो जाएगा ललबाई ललबाई मतलब होता है लोरी यानी ए जेंटल सॉन्ग संग टू पुट ए चाइल्ड टू स्लीप डैट इज कॉल ललबाई ऑप्शन नंबर बी है लैरी लैरी मतलब होता है बीना ऑप्शन नंबर सी है लिरिक लिरिक मतलब होता है संगीत यानी गीत के शब्द को बोलते हैं लिरिक एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड थॉट डेट इज कॉल्ड लिरिक नंबर डी है लॉरेल लॉरेल मतलब होता है उपलब्धि के लिए प्राप्त प्रशंसा या सम्मान जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिष्ठा यानी ऑनर और प्रेज अर्न बाय सम फॉर देयर अचीवमेंट डेट इज कॉल्ड लॉरेल यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ललवाई ललवाई मतलब क्या होता है जेंटल सॉन्ग संग टू पुट ए चाइल्ड टू स्लीप डेट इज कॉल लला बाई क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स कहने का मतलब विजिटर्स के लिए फ्रेंडली तरीके से स्वागत करने वाला को क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हॉस्टाइल सेकेंड हॉस्टल थर्ड हॉस्पिटल फोर्थ हॉस्पिटेबल इसका सही आंसर हो जाएगा हॉस्पिटेबल हॉस्पिटेबल मतलब होता है मेहमान नवाजी करना यानी सत्कार करने वाला को बोलते हैं हॉस्पिटेबल ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हॉस्टाइल हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण यानी प्रतिकूल यानी हैविंग वेरी स्ट्रांग फीलिंग अगेंस्ट सम बडी अम थिंग डैट इज कॉल हॉस्टाइल ऑप्शन बी क्या है हॉस्टल हॉस्टल मतलब छात्रावास यानी इंस्टीट्यूशनल रेसिडेंस और शेल्टर डेट इज कॉल्ड हॉस्टल ऑप्शन थर्ड क्या है हॉस्पिटल हॉस्पिटल मतलब अस्पताल ए प्लेस वेयर इल और इंजर्ड पीपल आर ट्रीटेड कॉल्ड हॉस्पिटल यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हॉस्पिटेबल हॉस्पिटेबल मतलब मेहमान नवाजी करने वाला यानी सत्कार करने वाला फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स डेट इज कॉल्ड हॉस्पिटेबल क्वेश्चन नंबर थर्टीन एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपुल हु आर मेंटली इल कहने का मतलब मानसिक रूप से बीमार लोगों की देखभाल के लिए एक संस्था को क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एवियरी सेकेंड एपियरी थर्ड आर्सेनल फोर्थ असाइलम इसका सही आंसर हो जाएगा असाइलम असाइलम मतलब होता है मानसिक रोग चिकित्सालय यानी एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपुल हु आर मेंटली इल डैट इज कॉल्ड असाइलम ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एवियरी एवियरी मतलब होता साल है पक्षीशाला ए लार्ज केज और एरिया इन विच वर्ड्स आर केप्ड डेट इज कॉल्ड एवियरी ऑप्शन बी है एपियरी एपियरी मतलब होता है मधु बाटिका ए प्लेस वेयर वीज आर केप्ड डेट इज कॉल्ड एपियरी ऑप्शन ए और बी क्या है एवियरी और एपियरी तो लगभग सेम है तो यहाँ वी है एक में भी है एक में पी है तो भी वाला जहाँ रहेगा वहाँ मतलब समझ आइएगा उड़ने वाला तो उड़ने मतलब पक्षी ऑप्शन नंबर सी है आरसन एल आर्सनल मतलब होता है शस्त्रागार यानी स्थान जहां सैन्य सामग्री बनाई या जमा रखी जाती है उसको बोलते हैं आरसेन एल आर्सनल मतलब ए बिग बिल्डिंग वेयर मिलिट्री विपेंस एंड एक्सप्लोसिव आर्मेड और स्टोर्ड डेट इज कॉल आरसेनल